हम गायक कलाकार शंभू लाल जाबाज जन पार्टी मिर्जापुर और इस बेटे को भाई को गंवाने में बड़ा ही आशीर्वाद के रूप में आप आदरणीय अशोक कवि जी का और परम आदरणीय परम सम्मानित बड़े भाई आप ओपी राजभर जी और हारमोनियम पर बड़े भैया धीरज जी ढोलक पर संगत कर रहे छेदी भैया, कोरस पर बड़े भैया आप शीतल प्रसाद जी, सुभाष भैया, सोनू जी और जिन भाई का कंधे से कंधा मिलकर बराबर इस भाई का सहयोग होता रहता है बड़े भैया आप राकेश जी और राजू जी, विजय भैया, सब भाई के चरण छू के पलगी व आशीर्वाद की प्रतीक्षा रही। एक गीत की प्रस्तुति हो रही है जौन गीत के शीर्षक बा सीता जी के शंका, हमके आशा ना पूरा विश्वास है जैसे हर कलाकारन के आप लोग प्यार दुलार देहिला, इस बेटे को भी आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। भूमिका में कहना है कैसे मास्टर कैसे? चोरन के भावे न संतन के मेला, कागा के भावे न कोयल की बोली, बेस्या के भावे न तुलसी की पूजा, विधवा के भावे न फागुन की होली, भावे न क्वारी के अंगुली में बिछुआ, बिरही के भावे न नदी ठिठोली, अनारी से नागिन बलैली दुलैया, हर गिज न भावे लसौतन की डोली। एक लाइन गजल के अंदाज है कैसे मास्टर? कौनो आशिक मासुका की बात को बया कर रहा है। इतने करीब आग दगा दे गई मुझे, कवि जी भाव लिखलन कैसे? शंका में सकती रूपा चलती मजान के, शंका में सकती रूपा
बड़ी बिरहा आप लोग सुन ले होबा, एक रामायण से नई खोज आदरणी अशोक कवि जी के द्वारा इस बेटे के मुखारविंद से प्रस्तुत हो रही है। कहानी का शुरुआत भइल कैसे मास्टर? विश्राम शयन कक्ष में श्री राम कर रहे, कोई प्रजा भी रात में आराम कर रहे। दरवान लखन लाल हनुमान सो गए, काली निशा के कोप में भी स्वान सो गए। रेणुका नर्तकी दरबार की सुंदर हसीन थी, दिल हार गई राम के बिल्कुल अधीन थी। होगा मिलन भगवान का घर मेरे भाग में, चलने लगी है वासना के बिरह आग में। सजने लगी है कजरा कटार सी बनी, गदराई जवानी ले थी दिल में संतनी। ए भैया, भगवान श्री रामचंद्र जी आधी रात के बेला में अपने शयन कक्ष में आराम करत हुवन, वहां की प्रजा बड़ी सुखमय है। वही दरबार के रहे वाला एक नर्तकी, जो उन्हें नर्तकी के नाम बतावल गए रेणुका, नाच गाना कह के अपने जीवन के पालस पोषित हो। मन मन आपन दिल भगवान श्री रामचंद्र जी के दे बैठल तो भइल कातर लगल मास्टर। गोरी रे गोरी गाँव की गोरी, मारलू कटार और मारलू कटार, जान मारे कजरावा परछी कदार। कवि जी बिरहा में भाव लिखलन, अरे उठ पलाली कान में बाली, विद्या का अनुमान, विद्या का अनुमान, जान मारे लीलारवा दुई जी कचान, जान मारे। सिंगार में सजाई के जवानिया, पतली कमर बाज पाव पे जनिया, पतली
नर्तकी द गजब रूप न बनौलस। कैसन भैया? ओठ पे लाली, दोनों कान में बाली, कच कचवा रूप बनाए के और पैर में पैजनी पहन के चलल कैसे। छम 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 करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के शयन कक्ष के तरफ चलल। तर्ज लगल मास्टर कैसे। कौनो ननद अपने भौजाई से कहत हा का कि कुंडा मिलल कछरवा मिलल दहुरवा मिलल भौजी से जी आप पे हमारे नीतियों न आवे महुबा मिलल कैसे मास्टर। क्रम मिलनवा में लागल धिया नवा सपनवा सज हो गोरिया चढ़ली जवानी में बेधेला बनवा सपनवा सज रे गोरिया सुरहो सिंगार कह के भगवान श्री रामचंद्र जी के शयन कक्ष के तरफ जब पढ़ल तो अपने मन में तरह तरह के सपना सजावत हो सजौलस कि भगवान श्री रामचंद्र जी से जब हमार मुलाकात हुई जब नयन चार हुई भगवान श्री रामचंद्र जी गोद में लेके हमके आलिंगन में भर के प्यार करी हन और सपना सजावत हो का कि गोदिया में लेके राम झेलुआ झुलैया नवा टूटी का नवा सपनवा साज हो गोरिया झूमे के सजिया पे बरसी सवनवा सपनवा भगवान के गोद में जब चलो भगवान अपने गोद में लेके झलुआ झुलई हन आलिंगन करी हन प्यार करी हन यह मन में सपना सजाए के मन मन सुख के एहसास करत बा और इतना सपना सजाए के आगे बढ़त भी बा। तब कवि जी को लिखना पड़ा तर्ज लगल भैया इहो कौनो आशिक अपने माशुका से कहत रहल का कि गोरी तोरी मुसकी जवनिया हो गोरी तोरी मुसकी जवनिया हो यार भालिया इलावे
तर्ज रहल कवि जी बिरहा में भाव लिखत हूँ। घुसल महल में गुजरिया हो घुसल महल में गुजरिया हो भगवान के जगाओ भर देता हमारी झोलरिया हो भर देता हमारी झोलरिया हो भगवान के जगा भगवान श्री रामचंद्र जी के शयन कक्ष में पहुंचल देखलस कि एक बिस्तर पर भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता जी सोवल हिन पहुंच के पैर के अंगूठा पकड़ के भगवान जी भैया रेणुका नर्तकी भगवान के जगावत हो ये प्यार और कहा था कि प्रभु हमारे बदन में वासना रूपी आग लगल बा इहे हमरे झोली में आप दान के देता और कहलस का पूछे प्रभु रतिया में कवन बिपतिया जाके भगवान श्री रामचंद्र जी के रेणुका नर्तकी जगावत हो कहत हो कि सरकार हमारे बदन में वासना रूपी आग लगल है भगवान रेणुका नर्तकी से पूछत हूँ कि अरे पगली इतना रात के बेला में और शयन कक्ष किसी ने तुमको रोका तक नहीं रेणुका नर्तकी कलश की प्रभु हमारे बदन में जवन आग लगल बा यही कि आप बुझा देता रेणुका नर्तकी के भगवान श्री रामचंद्र जी तरह तरह के समझावत हूँ लेकिन माने के तैयार ना हो तर्ज लगल भैया कैसे किन बिया के डार जा
निकटिया बाबा निबिया चिरयन के बसे तर्ज हो बिरहा में कवि जी भाव लिखत हूं रेणू का कहली प्रभु मानी जा बचनिया रेणू का कहली प्रभु मानी जा बचनिया बुझी कैसे वासना हमार हो भगवान श्री रामचंद्र जी रेणुका के समझावत हूं कि रेणुका जो तुम समझ रही हो ऐसा नहीं हो सकता, तोरे इच्छा के पूर्ति हम ना कर सकीला। हम शादीशुदा हमरे बगल में हमार पत्नी सोवल हिन और तोरे दिमाग में गंदी बात आईल कैसे, लेकिन रेणुका नर्तकी हाथ जोड़ के खड़ी भई कि ना प्रभु अगर आप ये दिल के आग के अगर ना बुझेबा तो फिर हम वापस ना जाए। बहुत समझावत हूँ लेकिन रेणुका नर्तकी माने के तैयार ना बा। तब भगवान श्री रामचंद्र जी एक बात और कहलन का कि राम कह सिया मोर सुतली सजरिया सुझ नाही कुलटा तुनार हो विष्णु चक्रधारी ए भैया रेणुका नर्तकी फिर भी माने के तैयार ना हो। तब भगवान श्री रामचंद्र जी कलन की रेणुका जब तू मानत ना हो तब अपने असली रूप का दर्शन रेणुका के करौलन। चार भुज में प्रकट होकर रेणुका से वादा किए कि यह जन्म में तना लेकिन अगले जन्म में तोहरे बदन के एक बार हम जरूर छुअब। जब इतना बात कहलन तो भैल का टेरी में कभी जी लिखत हूँ कि नारी से हारी सारी दुनिया
छेदी भैया कवि जी बड़ी ऊंची बात लिखलन बाबा कि नारी से हारी सारी दुनिया आम इंसान तो क्या भगवान पकड़ी भारी आम इंसान तो क्या भगवान पे भैली भारी नारी से हारी सारी दुनिया। ए भैया भगवान श्री रामचंद्र जी रेणुका नर्तकी के आगे विवश हो गयलन। जब विवश हो गयलन तब कलन की ये जन्म में इतना अगले जन्म में हमार तोहसे जरूर मुलाकात हुई। तब कवि जी पहपट लिखलन भैया कैसे कि रघुनंदन के मान नहीं सफैया सीता मैया हो। ए भैया रेणुका नर्तकी के जैसे भगवान श्री राम जी चतुर्भुज के दर्शन करैलन और रेणुका नर्तकी से कहलन कि ये जन्म में ना अगले जन्म में हमार तो से मुलाकात हुई जरूर होई। जैसे रेणुका नर्तकी चरण झुके भगवान के चलल चाहे सीता जी के निदिये टूट गई। जब नींद टूटल ए बाबू देखलिन कि एक अनजान स्त्री भगवान श्री रामचंद्र जी से वार्तालाप करत हो। वो रात में रात के बेला सीता जी के दिल में शंका समाय गई। तरह तरह के बात सीता जी अपने मन में सोचे लगलिन। भगवान श्री रामचंद्र जी कहत हवन कि ना सीता ना जैसन तू सोचत हो वैसन कुछ भी ना हो लेकिन सीता जी माने के तैयार ना है। वही आधी रात के बेला में तमसा नदी के रास्ता धे ले ली। क्रोधित होके आगे आगे सीता जी पीछे पीछे भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जात हवन मनावत हुन लेकिन सीता जी माने के तैयार ना है। तब भगवान श्री रामचंद्र जी कलन कि आखिर कैसे तोहके विश्वास होई जौने से कि तू मनबू। तब सीता जी बतावत हिन कैसे मास्टर रघुनंदन का माना नहीं सफैया निशा में धैली सरदू तट कराहिया सीता मैया सीता जी जब माना के तैयार ना हिन तो यही से बतावे के पड़ल कि राज हट तिरिया हट और बाल हट ये बड़ा खराब होला। लड़का अगर नंगा गईल कि नाई हमके गिलासी में अगर हाथी चाहिए तो गिलासे में हाथी मांगी। तो सीता जी माना के तैयार ना हिन तब कवि जी के लिखे के पड़ल का कि आगे आगे सीता पीछे राम लखन भाई हो सीता कह दे बयाज जनवा गवाई हो कसम तू विश्वामित्र का खाजा सही सीता मई अमान वाली बस एक उपैया सीता मैया सीता जी कहलिन कि गुरु विश्वामित्र के सिर पर हाथ रख के कसम खा जा
कि ना ही सीता ऐसा कुछ ना हो तो हम मान जाब। ए बाबू जब इतना बतिया भगवान श्री रामचंद्र जी सुनलन तब कवि जी के आल्हा में लिखे के पड़ल का कैसे। कि विश्वामित्र जी के लेके अर लखन लाल अइले बाबू सीता मैया गईली बात लेके हठिया गुरु पंचो सत्यवान हरी क्रिया के खा प्रभु चक्रधार जब सीता जी ना मल्लिन लखन लाल यानी लक्ष्मण जी दौड़ल दौड़ल गेलन आधी रात के बेला में गुरु विश्वामित्र जी के लेके अलन सीता जी तुरंत भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथ गुरु विश्वामित्र के सिर पे रखली। भगवान श्री रामचंद्र जी कहत हम उनकी गुरु विश्वामित्र के कसम सीता जमन तू सोचत हो वैसन कुछो ना बा। इतना बतिया कहते दुनिया के मालिक सीता से रुष्ट हो गई लगी। सीता से रुष्ट हो के ठे श्राप देलन कहा श्राप देलन सदर में कहना हो द्वापर युगवा में हो कृष्ण का जनामा हमारे वियोग में तू कर गुरुदाना हमारे किनाही हो बुझाने की लचा चरणवा द्वापर युगवा का बाबू सुनाई जा भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र का तो कसम खेलन लेकिन यह श्राप दे देलन कवन भैया कि अगले जन्म में हमार तो हसे मुलाकात ना हुई दर दर भटकबू जैसे आज हम विवश पड़ल ही ठीक वही प्रकार से तुहु लाचार रहबू लेकिन हमार तो हसे मुलाकात ना हुई। ए भैया तुरंत सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण छू के माफी मांगत हैं कैसे लेकिन कहल जाला कि अगर तीर जब बाण से छूट गए तो वापस होवे वाला ना हो तब कवि जी के लिखे के पड़ल का खड़े में कहना बा कि वही राधिका द्वापर में
मिलनवा ओत्र तक सब सन भइल मिलनवा ए भैया द्वापर युग में राधिका जो सीता जी थी वो राधिका के रूप में जन्म ली और रेणुका सज्ञा के रूप में जो 1600 गोपियों में एक और यही कारण राधे कृष्ण होला कीर्तनवा और त्रेता के श्राप से न भैले मिलनवा। आज दर दर राधिका जहाँ भी कन्हैया के बांसुरी सुनाई दे दौड़ल दौड़ल जा लेकिन कन्हैया से मुलाकात ना हो। आखिर में कवि जी लिखत हम उनके से कि गुरु बिहारी गुरु गणेश चंद्र का चमन कोसी अशोक कवि लाल जी बस काशी प्रयाग के बीच नारी से हारी सारी दुनिया शंभू कवि अशोक जी गीतों के फुलवार